जी जनाब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? जनाब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? एंड यू गाइस कैन आल्सो सी मी, राइट? ऑल राइट, गुड। चलें जी, हमारे साथ क्लास में आज हैं मोहित हुमायूं हैं, हफ्सा हैं, उमर हैं, अरबाब हैं, हसन, हमना, फातिमा, मोहम्मद अली, मोईज, अब्दुल्ला, तलहा, जुहेब हैं, गुलाम मुहिद्दीन। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो जनाब, ये मैंने एजेंडा आज का सेट किया हुआ है, कोई हार्ड कोर हमने स्टडी नहीं करनी, इंशाल्लाह कल से हम स्टार्ट करेंगे। आज ज़रा कुछ जनरल चिटचैट करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी फेमिलियरिटी लेते हैं और थोड़ी जनरल बातें करते हैं। वालेकुम सलाम उमर। अच्छा जी, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। अच्छा जी, माय नेम इज आसिम नजीर। आई एम फेलो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। आई एम ऑल्सो a certified public accountant from USA. I'm also certified internal auditor and I am a law graduate as well as commerce graduate as well. Or currently main is waqt I'm a partner in a medium size CA firm called Nazir Chaudhry and Company Chartered Accountants. Partner, yeah. We are like six partners, three in Lahore, one in Faisalabad, one in Karachi, one in Rahimullah Khan. So we have a representation all over the country. Acha, as far as teaching is concerned, my interests are audit and assurance and financial reporting. I teach audit and assurance at CAP level. और ये पोस्ट बैच और बाकी जो मेरी एंगेजमेंट है वो फाइनल लेवल पे होती है, सीपीएफ 6 ऑडिट अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज एंड सीपीएफ 1 एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्योंकि मेरी जो ज़्यादातर टीचिंग का टाइम है वो आफ्टर 5 है, तो इसीलिए ये पोस्ट बैच मुझे सूट करता है, फाइनल की क्लासेस सूट करती हैं। डे टाइम में मैं जो हूँ अपनी फर्म के अंदर टाइम जो है वो स्पेंड करता हूँ। अच्छा जी, ये तो थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन था। आपके बारे में मुझे इस वक्त सिर्फ ये जानना है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑडिट का पेपर पढ़ रहे हैं एंड दे इंटेंड टू अपेयर इन दिस अपकमिंग सेप्टेम्बर अटेम्प्ट। वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ने लगे और उन्होंने अपेयर भी होना है। ओके, तलहा हैं, अरबाब हैं, अफसा हैं, गुड। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो आज ऑडिट पढ़ने आए हैं या इस सेशन में पढ़ रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, वो पेयर भी होंगे। सो वी हैव क्वाइट अ फ्यू नंबर्स एक्चुअली, दैट्स गुड, दैट्स कमेंडेबल, दैट्स इंकरेजिंग, दैट्स केयरिंग। क्योंकि ज़्यादातर तो यही समझा जाता है कि एक सब्जेक्ट जो है वो पोस्ट में टेकअप करना और फौरी तौर पर प्रिपेयर करना, एंड स्पेशली ऑडिट, तो इट एक्चुअली टेक्स अ लॉट। तो वेल डन, आपने ये एफर्ट किया है, हिम्मत की है, दैट इज रियली कमेंडेबल। बस इंशाल्लाह हैंग ऑन, डूएबल है। बहुत सारे लोग हमारे पोस्ट के अंदर, जो फ्रेंड है, मेजोरिटी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे स्कोर गुड मार्क्स, पास होते हैं और डिस्टिंक्शन भी आई हुई है पोस्ट सेशन के अंदर और बड़े पास भी होते हैं। तो बस जो जो हम बातें करेंगे अगर आप उसको फॉलो करेंगे, देखें दो तीन में है ना, मैं तकरीबन गुजरने वाला है, जून जुलाई अगस्त, तीन महीनों की एफर्ट है। अगर आप जान मार देंगे फिर आगे सुकून ही सुकून है। तो एक ना एक दफ़ा तो एफर्ट करनी है, अभी कर लें या उसके बाद मार्च में कर लें या उसके बाद सितंबर कर लें। पास तभी होंगे जब वो वाली एफर्ट करेंगे जो रिक्वायर्ड है। अकलमंदी का तकाजा ये है कि उसको बहुत वेरी फर्स्ट टाइम अपनी तरफ से कोई हुज्जत ना रहने दीजिएगा। जो जो आपको बताया जाए, जो जो चीज़ें आपको सिखाई जाएँ, जो जो आपको कहा जाए करने के लिए, हर काम कर लें।
इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कल को आप अपने आप को ब्लेम ना दे सकें, कल को कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मेरा एक जो सोचने का अंदाज है वो ये है कि हमें अपनी जिंदगी से, लाइफ में कोई भी हमने टास्क परफॉर्म करना है ना, कोई ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए, जितने ये सोचें कि यार अगर ये मैं गोल अचीव ना कर सका, खुदाना खास्ता ये टारगेट अचीव ना कर सका, उसके बाद जो मुझे पछतावा होगा कि काश मैं ये कर लेता, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो प्रैक्टिस कर ली होती, काश मैंने टेस्ट दे लिए होते, काश मैं रोज़ का काम रोज़ कर रहा होता, काश मैंने कोई क्लास ना मिस की होती, काश मैंने कोई टॉपिक जो है वो वक्त पे कर लिया होता। तो अगर आप अपनी लाइफ से ये काश ख़त्म कर दें ना, तो आपके पास कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद भी अगर गोल अचीव नहीं होता, जिसके चांसेस इंतहाई कम होंगे, फिर आप कह सकते हैं मेरा क्या कुछ होता है, अल्लाह की रजा, फिर सुकून भी आ जाता है, कोई मसला भी नहीं होता। तो जस्ट कोई भी काम करने से पहले उसमें ये सोचने कि अगर वो काम अचीव ना हुआ तो आपको क्या क्या रिग्रेट्स हो सकते हैं कि काश मैं ये कर, वो काश अभी से स्ट्राइक आउट करें। पेपर देने के बाद आपके जहन में कोई काश नहीं होना चाहिए, कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, काश मैं ये कर लेता, तो इंशाल्लाह फिर सुकून होता है, फिर कोई इंसान को प्रॉब्लम नहीं होती, फिर अल्लाह की रजा है, अल्लाह की मंशा है। और वो बहुत बहुत कम चांस है, कितनी बड़ी आजमाइश, जब आप सारे काम कर लेंगे, काश ख़त्म कर देंगे, ये डिवाइन जस्टिस भी है, अल्लाह का असूल है, कुदरत का कानून है कि जो बंदा जितनी मेहनत करता है उसको उसका रिवॉर्ड मिलता है। जब आप इतने मेटिकुलस वे के अंदर अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो आई सी नो रीज़न ये वाई यू कैन नॉट पास, मतलब कोई रीज़न ही नहीं हो सकती, सिवाय वो 0.1% जो हम कह रहे हैं कि कोई एक्सेप्शन हो सकती है। तो बट वो एक्सेप्शन है, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस अब ये काम करना है आपने मेरे साथ, ये सारे काश खत्म कर देने हैं, ठीक है, गॉट इट, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जिंदगी का एक मोटो बना ले। मेरा एक असूल है, कोई भी काम टेकअप करने से पहले मैं ये देखता हूँ कि अगर ये काम डिजायर्ड लेवल पे ना हुआ, जो मेरे जहन में इसका एक लेवल है, इसकी क्वालिटी है, वो अचीव ना हुई, तो मैं किन किन चीज़ों को ब्लेम दूंगा, या मेरे पास टाइम नहीं था, मैं ऑक्यूपाइड था, मैं बिजी था, काश मैं ये कर लेता, वो सारी चीज़ें अभी कर लें, वो प्रीएम्प्ट करके के बाद में अभी करें, वो ख़त्म करें अपने काश के, नहीं अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो फिर शायद मुझे ये काम ही नहीं करना चाहिए, या अगर मैंने काम ये करना है लाजमी तो फिर मुझे टाइम निकालना है, चाहे वो और मैंने प्लान किया होगा कि डेली एक घंटा निकालना है, तो बाय हुक और बाय क्रुक सुबह शाम रात सोने से पहले मुझे वो एक घंटा देना है। और अगर मैंने प्लान किया कि मुझे एक घंटा निकालना है, कैलकुलेट करके वो एक घंटा निकाला, मुझे रात नींद नहीं आनी चाहिए जब तक मैंने वो अपना टारगेट अचीव ना कर लिया, फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। हमेशा स्प्रेड करके काम को प्लान करके और एक पैन के ऊपर स्प्रेड करके चलें, छोटे छोटे जंक्स में बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, क्वालिटी भी नहीं आती, रिजल्ट्स भी अचीव नहीं होते, कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होते, तो चीज़ों को टाइम चाहिए होता है मैच्योर होने के लिए। स्प्रेड करें, लंबे टाइम पे उसको करें, थोड़ा थोड़ा करें, डेली करें, हैबिट बना लें, ना कतरा कतरा करते रहें तो वो ज़्यादा असर रखता है, बजाय इसके अगर एकदम एक पूरी बाल्टी उल्टा दें पत्थर के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही आप एक एक कतरा 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 महीना एक एक कतरा बाटी करके पत्थर में कहीं ना कहीं वो निशान बन जाएगा। छोटी छोटी बातें होती है, बट लेट मी टेल यू ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा चलें जी, थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन, आगे चलते हैं। आइए जनाब एक बात करते हैं कि जो हमने ऑडिट एंड इंश्योरेंस पढ़ने लगे हैं, इसमें 7 stages हैं, और ये 7 stages समझ लें कि लाइफ लाइक सिचुएशन है। दुनिया का हम कोई भी काम करने लगते हैं ना, आप समझें कि हम ये 7 stages से गुजरते हैं, ऑडिट में भी ये 7 stages हैं। भाई थोड़ा सा वॉक थ्रू करते हैं, अभी मैं कोई पेपर में नहीं जा रहा, कोई अभी आगे देखेंगे पेपर फॉर्मेट है, पॉसिबल एनालिसिस है, क्या है, कहाँ से करना है, रिसोर्सेज क्या है, तो सब बातें हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले ना ज़रा 7 stages ऑफ ऑडिट बनाते हैं कि वो क्या है हमारी। अच्छा जी चलें, अब आप मेरे साथ ना एक छोटी सी डायग्राम बनाते हैं, और फिर मैं वहीं से अपना सिलेबस भी लिंक कर लूंगा साथ। अच्छा मुझे 3 चीजों का चेक एक बार कंफर्म कर दें, यू कैन गाइस हियर मी वेल लाउड एंड क्लियर, नंबर 2 यू गाइस कैन सी मी क्लियर,
नंबर थ्री, आप जो स्क्रीन शेयर हो रही है ये भी बिल्कुल ठीक हो रही है, तो तीनों चीजें जो हैं वो चेक्ड हैं, राइट? गुड, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, थैंक यू फॉर योर कॉमेंट। आइए तो आइए बात करते हैं थोड़ी सेवन स्टेजेस ऑफ ऑडिट। और मैं आपको ना लाइफ लाइक सिचुएशन के साथ बताऊंगा, जैसे दुनिया का कोई भी काम इन सेवन स्टेजेस पे ही होता है, तो ऑडिट भी ऐसे ही होगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम ऑडिट में देखेंगे जो स्टेज नंबर वन है, दैट इज कॉल्ड रेगुलेशंस एंड एथिक्स। ये है हमारी स्टेज नंबर सेवन। अच्छा, रेगुलेशंस और एथिक्स का मतलब यहाँ समझ ले रूल्स एंड रेगुलेशन है। देखिए, कोई भी काम करने के लिए पहले एलिजिबल होना होता है। जैसे एक डॉक्टर है, उसने कोई काम अगर एक पेशेंट को ऑपरेट करना है देखना, तो उसके पीछे एक रिगरस एक एफर्ट है, उसकी क्वालिफिकेशन है, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ प्रोफेशनल एथिक्स हैं जिसको फॉलो करने हैं, फिर वो डॉक्टर बनेगा, फिर वो इंजीनियर बनेगा। इसी तरह ऑडिट करने के लिए भी पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो फॉलो करने होते हैं। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन हमें साथ साथ ना हमारे पास जो ICAP का स्टडी टेक्स्ट है उसके चैप्टर नंबर भी जो है वो लिंक करने लगा हूँ इन सेवन स्टेजेस के साथ। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 and 13 अपनी बुक के अंदर। एक मिनट बस, अच्छा जी, सॉरी। सो रूल्स रेगुलेशन, अब इसके एग्जांपल लेते हैं कि आप माशाल्लाह आप में से सारे लोग कैफ 9 का पेपर देने लगे हैं, तो जाहिर है कैफ 9 तक पहुंचने का भी कोई रूल्स थे, रेगुलेशंस आपने फॉलो किए। जाहिर है पहले आपने AFC क्लियर करेंगे तो फिर आप एलिजिबल हो सकते हैं कैफ 9 के लिए। फिर कैफ 9 के लिए भी कुछ सब्जेक्ट्स का ऐसा तो नहीं था कि आपने AFC पास किया और साथ ही आप कैफ 9 रख लिया, आप एक सीक्वेंस से आए, आपने पहले रिपोर्टिंग के पेपर्स कुछ पढ़े, वो शुरू में इंट्रो टू इकोनॉमिक्स भी था, इंट्रो टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी थी, वो करते करते तो प्रॉब्ली अब आप F7, F8, F9 यहाँ पे आए। ये सारे रूल्स रेगुलेशन क्योंकि प्री रेक्विजिट्स हैं वो फॉलो करने फिर आप एलिजिबल होंगे, वरना समझ नहीं आएगी। और वैसे भी देखें कैफ 9 का पेपर कैफ सीरीज में सबसे आखिरी पेपर है, यानी देर इज नो कैफ 10। फिर इसी तरह CFAP सीरीज में जाएं, CFAP में 6 पेपर हैं, उसमें जो 6th पेपर है वो है ऑडिट अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज CFAP 6, यानी देर इज नो CFAP 7। तो इसका कोई ना कोई रीजन होगा ना, लॉजिक होगा कि ये लास्ट पेपर ही क्यों रखा जाता है स्ट्रीम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेटेड नॉलेज चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताऊं हमें स्टैट्स भी आनी चाहिए, मतलब मोटी मोटी, कोई बहुत डिटेल नहीं। हम यहाँ पे कोई वो प्रोबेबिलिटी थ्योरीज या जी टेस्ट या टी टेस्ट की बात नहीं करें, ऑल्दो वो यहाँ सैम्पलिंग में यूज होती है। हमें इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी आनी चाहिए, हमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। तो हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले पढ़ाए जाएंगे कि हु कैन बी एन ऑडिटर, हु इज एलिजिबल टू कंडक्ट एन ऑडिट, ऑडिट करने ऑडिट प्रोफेशन को कौन रेगुलेट करता है, ICAP का रूल क्या है। फिर एथिक्स पढ़ेंगे, प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, हमारे प्रोफेशन के एथिक्स क्या हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो दिस इज स्टेज नंबर 1। स्टेज 2 करते हैं, क्या स्टेज 2 देखते हैं, स्टेज 2 क्या है। एक दफा हमने रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर लिए, हम अब ऑडिटर बन गए, हमने अपनी एक फर्म बना ली, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, प्रैक्टिसिंग लाइसेंस का सर्टिफिकेट हमें मिल गया, हमने अपनी एक CA फर्म बना ली। अब अगला सवाल ये होगा स्टेज 2 ऑफ 7,
हाउ टू ऑब्टेन एंड एक्सेप्ट एन एंगेजमेंट। यहाँ एंगेजमेंट से मुराद है ये उमंगनी वाली एंगेजमेंट नहीं है, ये एज एन असाइनमेंट है, एज एन वर्क है कि हमने नया क्लाइंट, नई एंगेजमेंट, नई असाइनमेंट, नया वर्क कैसे ऑब्टेन करना है, और हमने कोई भी नई एंगेजमेंट, नई न्यू क्लाइंट, कोई भी नया काम एक्सेप्ट करते थे किन किन बातों का ख्याल रखना, तो हमें ये चीज़ें भी सिखाई जाएंगी। क्योंकि देखें हमारा काम बड़ा जो है वो क्रिटिकल है, कॉन्फिडेंशियल भी है, तो अगर मैं, अब आपको पता है आजकल रूल्स एंड रेगुलेशंस कितने स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, टू नेम वन लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, तो अगर मेरे कोई ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया, मैंने उसकी बुक कीपिंग की या उसको ऑडिट किया और बाद में पता चला कि वो खबीस, सॉरी यूजिंग दिस टर्म बट आप मेरे मुँह से सुनेंगे अक्सर ये टर्म, दिस इज़ द पोलाइटेस्ट वे जो मैं कभी यूज़ किया करूँगा, एक स्वेयर वर्ड में बड़ा पोलाइट मेरा वर्ड है कि वो खबीस मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तो वो खुद भी कल को फंसेगा, मुझे भी बताएगा एज एन अकाउंटेंट, एज एन ऑडिटर। आई नीड टू बी वेरी केयरफुल, कोई भी क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले एक टर्म यूज होती है, शायद आपने सुनी हो, ड्यू डिलिजेंस करनी है, ये टर्म बैंक्स में बहुत यूज होती है। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को इतफाक वो ये, अगर आप अकाउंट खुलवाने जाएं ना तो ऐसे नहीं अकाउंट खोल देंगे आपको, वो कहेंगे जी एक लंबा चौड़ा फॉर्म देंगे, अपने बारे में पूरी तफसील दीजिए, आप कौन है, क्या करते हैं, आपका रेफरेंस क्या है, फिर आप अकाउंट खुलवा रहे हैं किस पर्पज के लिए यूज करेंगे, आप स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉई हैं तो किस कंपनी में एम्प्लॉई है, आपकी एवरेज सैलरी क्या है, आप बिजनेस मैन है तो क्या बिजनेस करते हैं, आपका एनटीएन बना हुआ है, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से वो सर्टिफिकेट लेके आएं और ये करें और वो करें, 3 सालों की टैक्स रिटर्न, तो ठीक ठाक ड्यू, वो आपके बारे में प्रोफाइलिंग करते हैं, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि उनका बैंक आपकी वजह से प्रॉब्लम में आ जाए। हाँ बिजली का बिल, बिल्कुल सही मोहित ने बताया, बिजली का बिल नहीं है, पीटीसीएल का, वो आपकी देखते हैं कि आपकी जो रेजिडेंस है, आपका ऑफिस है, वाकई आप वहाँ पर बैठते भी हैं नहीं बैठते, तो ये हम पढ़ेंगे चीज़ें। रूल्स रेगुलेशन पढ़ने के बाद अब नया काम कैसे, फिर इसमें एडवर्टाइजिंग के रूल्स पढ़ेंगे, हमने फॉर्म बना ली कि हम एडवर्टाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एडवर्टाइज कर सकते हैं तो किस लेवल की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, उसके डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं, क्योंकि हम प्रोफेशनल लोग हैं, हमारी एडवर्टाइजमेंट में और माउंटेन ड्यू की एडवर्टाइजमेंट के अंदर डिफरेंस होना चाहिए सही है ना, तो वो भी हम देखेंगे वॉट आर द डूज एंड डोंट, और ये चीज़ें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही आपने किया कि आपने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने तो बिफोर एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट है। Let's move to stage number 3. अच्छा जी, साथ साथ मैं आपको रिमाइंड कराता जाऊंगा आपकी स्टडीज के हवाले से भी, रूल्स रेगुलेशन AFC क्लियर करके, कुछ पेपर कैफ के क्लियर करके, आप कैफ 9 तक पहुंचे हैं, पहुंच गए आप एलिजिबल हैं, तो अब आपने कैफ 9 उठाना है या नहीं उठाना है इस अटेम्प्ट में, यहाँ पे स्टेज 2 आपने सोचा, आपने देखा कैफ 9 कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ये हाँ सही है, मेरे 3 ही पेपर तो रह गए हैं फर्ज करें या 2 रह गए हैं, 4 रहते हैं तो मैं कैफ 9 उठाऊँ ना उठाऊँ, तो एक्चुअली आपने वहाँ पर स्टेज 2 अप्लाई की कि मैं कैफ 9 का पेपर एक्सेप्ट करूँ इस अटेम्प्ट के लिए या ना करूँ, तो आपने स्टेज 2 यहाँ पे भी अप्लाई, पहले एलिजिबल हुए आप, फिर आपने सोचा कि मुझे, मैं एलिजिबल तो हूँ बट बींग एलिजिबल डजंट मीन कि यू हैव टू एंड इन दिस अटेम्प्ट, तो यू वर एलिजिबल फर्स्ट, फिर उसके बाद आपने सोचा केयरफुली कि येस मुझे ये पेपर इस वक्त टेकअप करना है, फैसला कर लिया कि अब मैंने टेकअप करना है, आप ड्रॉप भी कर सकते, आप कहते हैं मैंने अभी नहीं देना, मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में देना है, मैंने इस क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करना है, टू रिस्की भाई, सॉरी मैं थोड़ा कर लूँगा काम लेकिन मैंने क्लीन काम करना है, आपके मुझे बिजनेस की समझ नहीं आ रही, नेचर वर्क की समझ नहीं आ रही, तो मेरी तरफ से माजरत, आप यू कैन चेक द नेक्स्ट डोर। थर्ड स्टेज में आता, फैसला कर लिया ऑडिट का पेपर रखना है, फैसला कर लिया इस क्लाइंट को हमने एक्सेप्ट करना है, ये ऑडिट हमने करना है, थर्ड स्टेज, एंड दिस इज कॉल्ड प्लानिंग एंड
risk assessment. Planning and risk assessment stage. And this is stage three. अच्छा ऑडिट में ना तीन फील्ड वर्क होते हैं. फील्ड वर्क का मतलब ये होता है कि इन सेवन स्टेजेस में से तीन स्टेजेस ऐसी हैं जहां पे हम अपना मेजॉरिटी काम क्लाइंट के प्रेमिसेस पे जाके करते हैं, उसके फील्ड पे यानी उसके प्रेमिसेस पे जाके करते हैं. उसमें से ये फर्स्ट फेज है, ये जो स्टेज थ्री है टोटल ऑडिट की सेवन स्टेजेस में से जो थर्ड स्टेज है दिस इज कॉल्ड फील्ड वर्क वाली फर्स्ट स्टेज. तो लिहाजा इसका एक नाम और भी होता है, इसको हम कहते हैं इनिशियल विजिट या इनिशियल स्टेज. और इसके अंदर मैं भी बताता हूँ कि आप पहले जरा चैप्टर मार्क कर लेते हैं. काफी सारे चैप्टर जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे हमारे इस इनिशियल फेज में. इसमें चैप्टर नंबर 3 है, 4 है, 5, 6, 11 एंड 12. अच्छा जी, हमने क्लाइंट एक्सेप्ट कर लिया जी, ठीक है हम आपका ऑडिट करेंगे. अब जाहिर है जब आपने ऑडिट कोई भी दुनिया का काम स्टार्ट करना होता है आप हमेशा प्लान करते हैं. सुना आपने पेपर, जब ये फैसला कर लिया कि मैंने ये पेपर इस सितंबर में देना है, फिर आपने कुछ प्लानिंग और कुछ रिस्क असेस किया. रिस्क असेस करने और प्लान ये दोनों इकट्ठी चीज है. प्लानिंग में रिस्क असेसमेंट में इसको ऐसे समझ लें, ये पेपर में आपने सोचा, दोस्तों से पूछा यार ये पेपर कैसा है, मुश्किल है, आसान है, थोड़ा बहुत आई कैप का स्टडी टेक्स्ट देख लिया, पास्ट पेपर देख लिए, कुछ आने लगे तो कुछ समझ नहीं आ रही है, तो पेपर बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है. दोस्तों से पूछा, उन्होंने भी कहा यार इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, डिफिकल्ट है, पास परसेंटेज तो बहुत इंकरेजिंग नहीं है, अमंग ऑल दी 9 पेपर ज़रा लो साइड के ऊपर है कंपैरेटिवली. तो आपने कहा यार ये तो पेपर पास करना तो ज़रा मुश्किल है, आपने रिस्क असेस किया. तो यानी रिस्क असेस करने का मतलब ये था कि आपने कहा ये हाई रिस्क पेपर है. हाई रिस्क का मतलब है कि इसमें चांस ऑफ पासिंग जो है वो जरा थोड़ा डिफिकल्ट है, मुश्किल है. इसी रिस्क को असेस करके अभी हम इसका आगे अगली स्टेज में जाएंगे, हम फिर एक्शन लेंगे. देखें जो पेपर हमें आसान लगेगा आप कहेंगे मैं खुद भी पढ़ सकता हूँ, थोड़ी सी एफर्ट कर लूंगा, पढ़ लूंगा, पास हो जाऊंगा. जो हाई रिस्क लगेगा उसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, मैंने क्लासेस भी लेनी है, मैंने डेली बेसिस पे पढ़ना है, टेस्ट भी देने हैं, फिर कहीं जाके ये पास होगा. तो कोई भी काम करने से पहले आप हमेशा उसको प्लान करते हैं और रिस्क असेस करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्शंस लेते हैं. तो अगर हम किसी चीज़ को असेस ही नहीं करेंगे पहले, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है या डिफिकल्टी लेवल है उसको असेस ही नहीं करेंगे, फिर वी आर बाउंड टू फेल. बस हमें ट्रिप पे जाना है तो हमने 7 दिनों के लिए जाना है, उसकी और तरह से प्लानिंग है. 14 डेज का ट्रिप है और हमने जनाब नॉर्दर्न एरियाज में जाना है, और सिंपल ये नहीं कि भाई मरीज से हो जाना है या ज़्यादा से ज़्यादा हमने जनाब गिलगित से हो गए, हमने वो जनाब K2 के बेस पे जाना है, हमने वो जनाब क्या है चाइना का वो सुस्त बॉर्डर वहाँ जाना है, हमने कैंपिंग करनी है, हाइकिंग करनी है, और तरह के रिस्क हैं उसमें. उसके लिए आप और तरह से प्रिपेयर होके जाएंगे, है ना, राइट. तो यू नीड टू वहाँ पे अकोमोडेशन की क्या सिचुएशन होगी, किस तरह से उस आप रिस्क पहले कोई भी काम करने से पहले आप प्लान करते हैं कितने दिनों का होगा, कितने टीम मेंबर्स होंगे, सीनियर लोग जाएंगे, जूनियर लोग जाएंगे. हाँ थैंक यू मोहित गुजरापा. कितने लोग जाएंगे, 2 लोग, 10 लोग, सीनियर्स जूनियर्स मिक्सचर, ओके. 10 दिन का टारगेट रखें, टाइम शीट बनाएंगे, 2 महीने का ऑडिट है, बैंक का ऑडिट है, नहीं जी एक छोटा पान की दुकान का ऑडिट है, परचून की दुकान है, छोटा ऑडिट है, घंटों में भी होगा. फिर मुझे इसके अंदर मैनुअल ऑडिट करनी होगी, कंप्यूटराइज ऑडिटिंग करनी होगी, तो सारा रिस्क असेस करना चाहिए. पेपर में भी यही है, KF9 में भी आप शुरू में रिस्क असेस किया, और अभी बता दो ये रिस्क असेस आपने किया इसीलिए आज आप क्लास में आए. आपने रिस्क असेस किया, रिस्क हाई है, अगर हमने क्लासेस ना ली तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है. तो यूज आप ये काम करके आए हैं इस क्लास में, एक्चुअली यू हैव बीन थ्रू विद दिस स्टेज. आप असेस किया और आपको लगा कि यार मुझे क्लास लेनी चाहिए, इसलिए आप आज यहाँ पे बैठे हैं. मैं बताऊंगा आज आप क्लास में बैठे हैं ये कौन सी स्टेज है और स्टेज का क्या नाम है. तो थर्ड स्टेज इज जब आप कोई काम एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर आप उस काम को करने से पहले प्रॉपरली प्लान करते हैं और उसका रिस्क असेस करते हैं. जाहिर है रिस्क हाई है तो ज्यादा एफर्ट करनी है, रिस्क लो होगा तो कम एफर्ट से भी काम
चल सकता है। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं स्टेज फोर में, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बताते हैं कि इस काम के रिजल्ट में दो नतीजे होंगे, या तो रिस्क हाई होगा, आप कहेंगे यार ये तो बड़ा मुश्किल ऑडिट है, बैंक का ऑडिट है, इसमें तो बड़ी चीजों को देखना पड़ेगा, बड़े रूल्स, बड़े रेगुलेशन, स्टेट बैंक के रूल रेगुलेशन, कैश लाइन बड़ा मुश्किल पेपर है, रिजल्ट अच्छा नहीं होता, तो ये हाई रिस्क है। और दूसरी चीज हो सकती है कि रिस्क आपको लगे लो ये तो मसला ही कोई नहीं है, वो ये तो मुझे पहले से ही आता स्टैट्स पे, ये तो मैंने पहले इंटर में भी पढ़ी थी, तो वही स्टैट्स है ना, इकोनॉमिक्स है, मैंने पहले स्टैट मैथ्स इकोनॉमिक्स रखी थी, तो इकोनॉमिक्स से बच्चों वाली, तो लो रिस्क भी हो सकता है, हाई रिस्क भी हो सकता है ये ऑडिट, वो मसला ही कोई नहीं है, तो बड़ा आसान तो ऑडिट नहीं, अरे बड़ा रिस्की ऑडिट है। तो स्टेज थ्री में फिर दो बातें हो सकती हैं, या रिस्क हाई होगा या लो होगा। तो इसी को आगे अब कंटिन्यू करते हैं कि अगर तो रिस्क हाई हुआ तो क्या करना है, लो हुआ तो क्या करना है। अगर तो रिस्क हाई होगा, चले पहले लो की बात करते हैं, रिस्क लो है वो बड़ा आसान है, मसला ही क्यों नहीं, देखने में बड़ा सिंपल सा लग रहा है पेपर, अपेरेंटली बुक भी देखी तो इतना मसला नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि ये लॉजिक के बेस पे, ये पूरा ऑडिट का पेपर हम जो जो पढ़ेंगे ना, मैं आपको बार बार लॉजिक्स पे लेके जाऊंगा, लॉजिक्स हर चीज बड़ी लॉजिकल है। मुझे एक बात बताएं, अगर हमें एक काम करने से पहले हमने उसको असेस किया, हमें आसान लग रहा है और एक काम है वो डिफिकल्ट लग रहा है, ज़ाहिर है जो डिफिकल्ट लग रहा है उसके लिए हम बहुत प्रिपेयर होके वो काम करेंगे, हर हद तो लमकान हर तरीके से बड़ी एफर्ट करके वो काम करेंगे, लेकिन जो काम हमें बड़ा आसान लग रहा है उसके लिए हम जाहिर है उतना प्रिपेयर नहीं होंगे। अब आप मुझे एक बात बताएं, जो काम आपको इनिशियल असेसमेंट में आसान लग रहा है, यानी कि रिस्क उसमें लो है, यार ये मसला ही कौन है मेरे लिए, क्या ये बेहतर नहीं होता, क्या ये लॉजिकल नहीं है, क्या ये नॉर्मल अप्रोच नहीं है? अगर कोई काम मुझे आसान लगे तो मैं बाद में किसी प्रॉब्लम से बचने के लिए, क्या बेहतर नहीं है कि जो काम मुझे बहुत आसान लग रहा है उसको ज़रा डबल चेक कर लिया जाए, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आसान है, और अगर वो आसान ना हुआ तो एंड टाइम पे मुझे कितनी प्रॉब्लम होगी, तो क्या मुझे उसको डबल चेक नहीं कर लेना चाहिए? एक काम जो मुझे हाई रिस्क लग रहा है उसके लिए मैं बड़ा प्रिपेयर्ड होके करूंगा, फर्ज करें वो एक्चुअली में आसान भी निकल आया, तो मैंने तो बड़ी हाई समझ के किया था, वो आसान निकल आया तो मुझे नुकसान नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा ना कि मैं ओवर प्रिपेयर्ड हो गया और मैं बाद में सोचूंगा ओहो यार मैं एनवी इतना परेशान हो रहा था, ओ ये तो बड़ा आसान है। तो हाई रिस्क में आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो फेल होने का रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर आपने हाई रिस्क सोचा उसके लिए बड़ी तैयारी की लेकिन लो रिस्क निकला तो आपके ऑब्जेक्टिव को कोई खतरा नहीं है, है ना, आप तो वो काम आप सिर्फ हंसेंगे ओहो यार मैंने अभी इतनी मेहनत की, बस यही होगा ना, ओवर प्रिपेयर्ड। लेकिन अगर आप सोचें अगर आपने रिस्क लो असेस किया और कल को जाके पता चला ओहो यार ये चैप्टर तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो बड़ा ही मुश्किल है, ओहो ये तो मुझे यानी आपकी सारी असेसमेंट गलत हो गई और आप उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं थे, तो फिर कितनी मुश्किल होगी। इसलिए जब भी हम कोई काम लो रिस्क असेस करते हैं ना, तो हमेशा बेहतर होता है कि उसको डबल चेक कर लिया जाए कि यार कहीं मेरी असेसमेंट गलत तो नहीं है, तो लो रिस्क को मजीद कंफर्म कर लिया जाता है कि जो मैं समझ रहा हूँ कि ये बड़ा आसान काम है उसको चेक कर लें कि वो वाकई आसान है ना, कल को एंड टाइम पे जाके मसला ना हो जाए। तो जब रिस्क लो होगा कि इसको ये ऑडिट मुझे लग रहा है बड़ा आसान है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, तो उसको ना हमें डबल चेक कर लेना चाहिए पहले, और डबल चेक ऐसे करना है कि हमें एक काम करना है दैट इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एंड दिस इज आवर स्टेज नंबर 4 or 7। ये सिर्फ उस सूरत में करनी है अगर रिस्क लो हुआ, स्टेज 4 प्री थी प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, उसका ऑफशूट था कि अगर रिस्क लो हुआ तो अपने लो रिस्क वाली असेसमेंट को रिकन्फर्म कर लें, वो इंटरनल कंट्रोल जो क्लाइंट के आपने देख के असेस किया था, यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, इनके तो बड़े ज़बरदस्त सिस्टम हैं, यहाँ से तो कैश के 1 रुपये की भी हेरा फेरी होने का चांस नहीं है,
ये लोग तो कैश में डील ही नहीं करते, ये तो सिर्फ चेक्स लेते हैं, ये तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, तो कैश का चोरी होने का तो यहाँ रिस्क ही नहीं है। बड़े जबरदस्त कंट्रोल हैं, कैमराज लगे हुए हैं, फिजिकल कंट्रोल है, बड़ी प्रॉपर ऑथोराइजेशन है। 10 रुपए की भी चीज खरीदनी हो तो उसकी पहले अप्रूवल होती है, बजट्स बनते हैं, तो यार यहाँ पे तो ऑडिट में कोई मसला ही नहीं होगा। लेकिन जिन कंट्रोल्स पे आप तकिया करके आप लो रिस्क असेस कर रहे, तो उनको एक दफा टेस्ट जरूर करने कि आप जो समझ रहे हैं, क्या वो वाकई ही वैसा है या नहीं। इन दिस स्टेज इज कॉल्ड टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल, तो दिस इज स्टेज 4 ऑफ 7, और ये हम पढ़ते हैं, हमारा चैप्टर है जी ये चैप्टर नंबर 6। और जो मैंने कहा था ऑडिट के फील्ड वर्क 3 होते हैं 7 स्टेजेस में, जिसमें फर्स्ट फील्ड वर्क वॉज इनिशियल विजिट, इंटरम इनिशियल विजिट, इनिशियल स्टेज जिसमें हम प्लानिंग और रिस्क असेस करते हैं, उसके अंदर दिस इज स्टेज 2, और इसको हम कहते हैं इंटरम, वो इनिशियल था तो ये इंटरम विजिट। ठीक है जी, सो दिस इज स्टेज 4। इसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट स्टेज, दैट इज 5th स्टेज, और इस स्टेज का नाम है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, जिसको आप समझ लें एक्शन, रियल एक्शन, यानी रियल ऑडिट करना। CAF 9 आपने प्लान किया, दोबारा रीअसेस कर लिया, कंफर्म कर लिया कि वाकई रिस्क लो है या नहीं है, मेरी असेसमेंट शुरू वाली सही थी या गलत थी। अब इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अब क्या है, आज आपका ये स्टेज 5 का फर्स्ट डे है, दिस इज दैट इज कॉल्ड सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जहां पे आप रियल ऑडिट कर रहे हैं, रियल पढ़ाई आज आपने स्टार्ट की है, जहां पे आज आप क्लास में फर्स्ट डे आए हैं, दिस इज कॉल्ड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। लेकिन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अभी हम देखते हैं दो तरह के हो सकते हैं। अगर तो रिस्क हाई था ये वाला, तो फिर आपको एक्सटेंसिव सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, बहुत बड़ी ऑडिट टीम लेके जानी है, सीनियर लोग लेके जाने हैं, बहुत ज्यादा टेस्टिंग करनी है, बहुत ज्यादा वाउचर्स देखने हैं, बहुत ज्यादा इनवॉइसेस, बहुत ज्यादा परचेज इनवॉइसेस, सेल इनवॉइसेस और बिल्स देखने हैं। लेकिन अगर आपने कंट्रोल टेस्ट किए, यहाँ पे भी दो चीजें हो सकती हैं, खैर ये आगे भी जाके हम डिटेल में भी बात करेंगे, बट यहाँ पे भी बात कर सकते हैं, यहां से भी दो बातें हो सकती हैं, ये भी हो सकता है। अगर आपने कंट्रोल टेस्ट किए, आपने शुरू में रिस्क लो कि आपने क्या कंफर्म कर लो, टेस्ट कंट्रोल किए, कंट्रोल टेस्ट किए, पता चला हो तो कंट्रोल तो बहुत बेकार है, तो मेरी तो इनिशियल असेसमेंट खराब हो गई, वो दो नहीं असल में रिस्क हाई था। तो अगर कंट्रोल, यहां पे हम इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं कि इफ कंट्रोल नॉट ऑपरेटिंग, तो हम वापस चले जाएंगे हाई रिस्क वाले काम के ऊपर, हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा लगाएंगे, यानी इफ कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। और अगर हमने रिस्क, हमें शुरू में लो लगा, उसके बाद कंट्रोल टेस्ट किया, और कंट्रोल टेस्ट करने के बाद हमें लगा कि कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, यानी रिस्क भी लो है और हमने टेस्ट किया, हमारी लो रिस्क वाली जो असेसमेंट थी मजीद कंफर्म हो गई कि नहीं यार लो ही है रिस्क, कोई मसला नहीं है, ऑडिट में कोई खतरा नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में हम करेंगे रिड्यूस सब्सटेंटिव प्रोसीजर। यानी स्टेज 5 बेसिकली है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की,
फर्क सिर्फ ये कि या सबटेंडेड प्रोसीजर ज्यादा लगाने पड़ेंगे या कम लगाने पड़ेंगे, ये डिपेंड करेगा कि रिस्क क्या था, और ये डिपेंड करेगा कि अगर रिस्क लो था तो कंट्रोल्स कैसे चल रहे हैं। अगर कंट्रोल अच्छे चल रहे थे तो रिड्यूस कर लेंगे सबटेंडेड, अगर कंट्रोल अच्छे नहीं चल रहे एक्सटेंसिव करेंगे, और अगर शुरू में रिस्क हाई था तो हमें स्किप कर देनी है स्टेज फोर, क्योंकि बैड कंट्रोल्स को टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होता, हम सीधा चले जाएंगे एक्सटेंसिव सबस्टेंटिव प्रोसीजर पे। तो दिस इज आवर स्टेज फाइव। ठीक हो गया जी, अब चलते हैं हम अपनी, अब चाहे ये स्टेज एक्सटेंसिव वाली हो रिड्यूस वाली हो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं, नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा हूँ। एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड रिव्यू। अच्छा सॉरी, मैं जरा पहले वापस आऊं, चैप्टर नंबर्स हमारे हो गए जी। मैं भी अजी अब्दुल्ला भी करते हैं, हाँ माइक पे भी कर सकते हैं, मैं बस ये जरा चैप्टर नंबर मार्क कर लूं। चैप्टर ये स्टेज फाइव, सो चैप्टर नंबर 7 से लेके 10 तक सबस्टैंडर्ड प्रोसीजर वाली स्टेज होगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, फिर आपको आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है, थोड़ा सा बस ऊंचा बोलिएगा जी अब्दुल्ला। जी सर, एक सेकेंड सर, अब आ रही आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि अभी आपने कहा ना कि अगर रिस्क हाई है तो हम सीधा एक्सटेंसिव सबस्टेंटिव प्रोसीजर्स पे जाएंगे। जी जी सर थोड़े से भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स नहीं करेंगे इससे पहले? बिल्कुल भी नहीं, नहीं, क्योंकि हाई रिस्क होने का मतलब ये होता है कि कंट्रोल्स आर रियली बैड, और एक चीज हमें शुरू से पता है कि वो है ही गंदी, गंदी चीज को टेस्ट करने का फायदा ही नहीं, और हम ये सिर्फ हमने उस चीज को असेस टेस्ट करना ये चाहेंगे हमने जो हमें जी लगता है सही अच्छी है। सही और ये हमने असेस किया है पहले स्टेज 3 में जो थ्री रिस्क में असेसमेंट बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल ठीक। अच्छा ओके जी हाँ, अरबाब ऐसे भी हो सकता है, बट अगर आप मुझे कह दें तो वो ज्यादा बेहतर है, उससे ये होगा कि बाद में होता है दो तीन लोग हम इकट्ठे बोलना शुरू कर दें तो जरा मुश्किल होती है। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है अरबाब तो हम आपको भी अनम्यूट कर लेते हैं, आप भी कर सकते हैं। जी आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे अरबाब? नो सर, मैं बस वैसे ही कह रहा था कि अगर आपने खोल दें आप माइक तो हम जब चाहें तो उस टाइम पूछ सकते हैं। चलिए सर, चले आपने ये ठीक कहा, ऐसे ही लिखा। आए, आप अभी ऐसा भी कर लेते हैं, ये भी तजर्बा कर लेते हैं, ठीक है जी। तो मैं सबको ऑप्शन दे रहा हूं कि अब आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? लेट्स सर जी। सर, ये जब हमने देखा कि रिस्क जो है लो होगा सर, फिर इसकी आगे हमने दो कंडीशंस देखी थी सर कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सर ये नहीं पॉइंट समझ आया। इसमें हाई का तो हमें पता चल गया कि उसके बाद हम डायरेक्ट जो है एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स जो है वो अप्लाई करेंगे। सर लो के बारे में बिल्कुल एक बता देता। हाँ जी बिल्कुल, अगर रिस्क हमने इनिशियली असेस किया लो है, फिर हमने कहा कि यार जरा क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के लिए अभी आप ये समझ लें कि वहां पे बड़ा प्रॉपर मैकेनिज्म है किसी भी ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने का, ऑथोराइज करने का, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड हैं, फिजिकल कंट्रोल्स हैं, सीसीटीवीज हैं, और बड़ी जबरदस्त वहां पे, जिस तरह आप समझ लें एक मल्टीनेशनल, आप इस तरह समझ लें कि आप किसी मल्टीनेशनल किसी अच्छी
फूड जॉइंट फ्रेंचाइज वगैरह सेम मैकडॉनल्ड्स, आप देखें उसका उसका एक कंट्रोल एनवायरनमेंट है, आप एंटर होंगे तो ग्रीट करेगा, आप क्यू में लगेंगे, मेन्यू है, आप सेलेक्ट करेंगे, वो आपको बताएगा, एक प्रॉपर सिस्टम है, आपको एक टोकन दे दिया जाएगा, आप लेंगे अपनी जगह पे जाएंगे, आपका वो नंबर डिस्प्ले होगा, ऑर्डर नंबर, फिर आप जाएंगे पिक करेंगे, तो इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे लग रहे हैं। इसके कंपैरेटिवली आप किसी वैसे कहीं किसी आम बर्गर शॉप पे चले जाएँ तो वहाँ पे इतने अच्छे कंट्रोल्स नहीं होंगे। तो हमने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करें जहाँ हमें लगा कि कंट्रोल्स अच्छे नहीं, रिस्क लो है। अच्छा, जब रिस्क लो लगा तो उन लो रिस्क का मतलब है कि आपने असेस किया कि कंट्रोल्स अच्छे हैं, तो अभी आपने जस्ट असेस किया, अभी आपने टेस्ट नहीं किया, देयर इज अ डिफरेंस। असेसमेंट होती है आपकी ऑब्जर्वेशन देखना करना, लेकिन आपने भी रियल टर्म में टेस्ट नहीं किया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्लाइंट से आपने पूछा, सर आपके इतने बड़े बड़े इन्वेंट्री है, स्टोर्स हैं, तो क्या आपके वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं? हाँ हाँ जी बिल्कुल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारा तो जनाब 24 आवर्स एक ना एक गार्ड जो है वो स्टोर में, वो स्टोर अभी कहीं दूर हैं शेखुपुरा में, उनके गुनाहों गार्ड मौजूद है, उसको अगर तो किसी ज़रूरत के लिए जाना भी हो तो जब तक उसकी जगह वो फ़ोन करता है तो कोई दूसरा गार्ड आ ना जाए तो वो अपनी जगह नहीं छोड़ के जाता, चाहे उसने खाने पीने जाना या वॉशरूम जाना। इसका मतलब है आप इम्प्रेस हुए, यहाँ पर अच्छा कंट्रोल है, तो आपने असेस किया कि कंट्रोल अच्छा है यानी कि रिस्क लो है, लेकिन अभी इससे साबित कुछ नहीं हुआ, अभी आपको लगा लो है। आपको चाहिए कि आप पहले टेस्ट कर लें, किसी वक्त जाके देखें क्या वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वाकई मौजूद भी है या नहीं। क्लाइंट ने कहा हम अपनी ट्रांजेक्शन अप्रूव करते हैं, अब जरा कोई सैंपल बेसिस पे ट्रांजेक्शन निकाल के कंट्रोल टेस्ट भी करें कि वाकई अप्रूवल्स हैं भी कि नहीं, सुनने में बताने में इनिशियल दिखाने में कुछ और हो सकता है। वो मैं अक्सर इसमें मजे की बात थोड़ा सा फनी होगा, बट क्योंकि हम मैंने कहा ऑडिट हमने लाइफ लाइक सिचुएशन से समझना है, वो होता है ना जिस तरह जब रिश्ता विश्ता देखने जाते हैं तो बेस्ट हर दोनों पार्टीज जो हैं बेस्ट प्रेजेंट करती हैं, सही है, तो जाहिर है हमेशा रिस्क लो होता है, लेकिन कभी भी आपको पता है उस इनिशियल जो बातचीत होती है, मीटअप होता है या सेटिंग होती है, उस पर कभी कोई चीज़ का फैसला नहीं। हम कहते हैं नहीं यार, हमने ये जो दिखाया गया है, जो बताया गया है, उसको ज़रा टेस्ट करने हैं। टेस्ट करने का तरीका ये है, तो यार ज़रा पता करना है कैसे लोग हैं, इनका कौन जानने वाला है, वो जनाब उसके किसी दोस्त से पूछें, वो जॉब कहाँ करता है, उसका कंडक्ट कैसा, यहाँ पे तो बड़े अच्छे थे, है ना, तो वो बाद में फिर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहे होते हैं है ना। अच्छी एग्जांपल थी सर, बिल्कुल सही हमजा। तो शुरू में ऐसी हमेशा रिस्क लो लगता है, जो मैंने एग्जांपल अभी दी है उसमें हमेशा रिस्क लो होता है, लेकिन हम कभी उसको मानते नहीं है जब तक हम पहले अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस या तसल्ली ना करें, पूछवा लें, इधर से पूछें उधर से पूछें, क्योंकि हो सकता है उसमें बहुत सारी बातें सच भी हों जो उस दिन हमें बताई गई, बहुत सारी बातें हो सकता है एग्जैजरेशन हो, वो कह रहे हैं जी हमारा अपना घर है, कल को पता चले वो रेंट का है, वो कह जी ये बड़ी अच्छी जॉब करता है, इसकी सैलरी 200,000 है, तो पता चले वो 20,000 सैलरी है ना। तो कंट्रोल जब जब रिस्क लो लगता है, हर चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, उसको टेस्ट भी करना होता है। और जब आप टेस्ट करते हैं तो फिर दो बातें होंगी, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा दो बातें थी, या तो वो बात सच्ची साबित हो जाएगी, यानी कि अगर रिस्क लो हमें लगा और बाद में लगा कि यार वो बातें सारी सच्ची हैं, सच्ची वाली बात, यानी ये भी है रिस्क भी लो है और वो सारी जब आपने पता लगवाया सब बातें सच्ची हैं, घर भी अपना है, सैलरी भी 2,00,000 है, लड़का भी शरीफ है, उसकी कंपनी भी अच्छी है, यानी वो लो भी है और वो कंट्रोल जो आपने टेस्ट किए वो भी ऑपरेट सही है, फिर कहीं जाके आप प्रोसीजर्स को रिड्यूस करें। लेकिन आपको शुरू में लगा रिस्क लो है, जब आपने चेकिंग कराई पता चला कुछ भी ऐसा नहीं है, वो ना सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे होता है, ना कंपनी में कोई ट्रांजेक्शन अप्रूवल का कोई सिलसिलाकार है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, यू गो बैक टू स्क्वायर वन, वही समझ ले रिस्क हाई हो गया, एक्सटेंसिव काम करें। जी सर, बाय टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स यू मीन टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ओनली, और कंट्रोल्स का मतलब इंटरनल कंट्रोल्स अभी हम पढ़ रहे हैं ना, इसके अलावा भी कंट्रोल्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक चीज और ऐड कर दूं, हमने एक्चुअली करने होते हैं टेस्ट ऑफ गुड कंट्रोल्स,
ठीक है, बैड कंट्रोल्स नहीं टेस्ट करने होते, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग ऑफ. इसकी एग्जांपल वही वाली लेते हैं, वो गए दो पार्टीज मिली, शुरू में ही बात नहीं बनी, दिल नहीं माना, कोई चीज अच्छी नहीं लगी दिल को, है ना. आप उठ के आ गए, क्या अब आप वो करवाएंगे इन्वेस्टिगेशन कौन है क्या करते हैं? दिल को ही नहीं लगी वो बात, शुरू में ही हमें लगा सही नहीं, तो क्या हम उसको टेस्ट करना चाहेंगे? नहीं आप और देखते हैं, ऐसे ही होगा ना. जहां हमें अच्छी लगेगी बात, अच्छे लगेंगे कंट्रोल्स, उन्हीं को हम फिर मजीद कंफर्म भी करना चाहेंगे. तो अगर शुरू में ही अच्छा नहीं लग रहा, शुरू में रिस्क हाई है, तो क्या जरूरत है टाइम जाया करने की, तो रिस्क हाई हो गया. गॉट इट? यस यस सर. चलो वेरी गुड. तो ये थी स्टेज फाइव. ये वाकई मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं इस स्टेज फोर और फाइव को इतनी डिटेल में भी डिस्कस करूं, बट मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने अभी से माइंड अप्लाई किया. ये बहुत जबरदस्त बात, अगर आप स्टडीज में माइंड अप्लाई करेंगे ना, तो फिर देखते माइंड अप्लाई करने के बाद जब हमारी डिस्कशन हुई, इंटरेक्टिव, हमने टू वे डिस्कशन की, अब मुझे पता है कि अब ये बात हमें जिंदगी भर नहीं भूलेगी. जब भी हम इस चीज को पढ़ेंगे, हमेशा हमारी ये डिस्कशन जेन में आ रही है. हमें आज हमने एक जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन लर्न किया कि कब कंट्रोल्स टेस्ट करने हैं और कब टेस्ट नहीं करने हैं, कब हमें सीधा ही एक्सपेंसिव सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे चला जाना है और कब हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करके, और अगर कंट्रोल्स भी अच्छे हुए फिर हमने रिड्यूस करने सब्सटेंटिव प्रोसीजर. ये बड़ी जबरदस्त हमने बात जो है लर्न की है. सो गुड वर्क टू डोज. मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज हम फर्स्ट क्लास में इतनी गहरी और गाढ़ी किस्म की ऑडिट की बात कर रहे हैं जिसमें हम पूरी क्लास डिवोट करेंगे. हाँ बिल्कुल. तो रेडी रहे, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आएंगी, वरना उसके बगैर ये ऑडिट मजे का ही नहीं है. ऑडिट है ही, मुझे तो ऑडिट लगता ही इसलिए मजे का है क्योंकि हर काम जो ऑडिट में हम करेंगे ना, वो हम रियल लाइफ में कर रहे हो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हवाले से. चले सर, हम पोस्ट बैच में भी ऑडिट इतने डिटेल में पढ़ेंगे जितना प्री बैच में पढ़ते हैं. इंशाल्लाह, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, इंशाल्लाह हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. मेरे पास यहाँ क्लास का टाइम भी ज्यादा है, नंबर ऑफ आवर्स भी उतने हैं. मैं ज्यादा डिटेल में जाता हूँ, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट. और पोस्ट में मुझे ज्यादा टाइम मिलता है, ज्यादा इंटरेक्शन होती है. मुझे पता है मुझे पोस्ट बैच का मजा ही बहुत है. इसमें तो बहुत डिटेल में हम जाएंगे इंशाल्लाह. ठीक है, थैंक यू. सर, बिफोर वी मूव ऑन, एक क्वेश्चन था सर. जहां भी कंट्रोल्स की बात होगी, हमने इंटरनल कंट्रोल समझने ना. बिल्कुल, कंट्रोल्स मींस इंटरनल कंट्रोल, बस. ठीक है, ठीक है सर. ओके, वैसे और कौन से कंट्रोल्स होते हैं और क्या ज़हन में आपके? सर वो पता नहीं, मुझे शायद कहीं मैंने पढ़ा था कि कंट्रोल्स शायद दो किस्म के होते हैं या इस तरह कोई. अच्छा, नहीं, हमारे लिए एक ही टाइप के कंट्रोल है इंटरनल. ये वो कंट्रोल है जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी के अंदर यूज कर रही है. जैसे मैंने एग्जांपल दी, मैकडॉनल्ड्स का सिस्टम है, ठीक है, वो कंट्रोल्स. ओके सर, थैंक यू. अच्छा जी, हमने रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए, ने क्लाइंट एक्सेप्ट किया, प्लानिंग की, रिस्क असेसमेंट की, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क असेसमेंट आइदर वी परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और नॉट, और फिर उसके बाद आइदर एक्सटेंसिव या रिड्यूस, लेकिन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, सारा काम कर लिया, ऑडिट कर लिया. और देखें, तीसरी बात भी यहाँ लिखनी थी हमें, ये इंटरिम विजिट था, तीन फील्ड वर्क थे, ये इनिशियल विजिट था. टेस्ट ऑफ कंट्रोल इंटरिम था, और इस स्टेज को हम कहते हैं जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाली, इसको हम कहते हैं फाइनल विजिट. यानी हम समझ लें कि क्लाइंट में, बड़ा क्लाइंट होता है, तीन दफा उसको हम विजिट करते हैं फिजिकली. तो ये फाइनल विजिट हो गया. हमने सारे वाउचिंग, वो स्टॉक, इन्वेंटरी, हर चीज कंफर्मेशन, एक्सटेंसिव या रिड्यूस सब्सटेंटिव प्रोसीजर हमने कर लिया. अब हम फाइलें उठा के अपने ऑफिस आ गए. दूसरी एग्जांपल, हमने क्लासेस भी पढ़ ली इंशाल्लाह. ये मैं बात कर रहा हूँ, अब आप अपने आप को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में ले जाए, फ्यूचर में ले जाए. आज हमारा दिन है, ये हम स्टेज नंबर
फाइव में पहुंचे हुए हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। आज से पहले आप प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट और थोड़ा बहुत कंट्रोल टेस्ट कर चुके हैं, ऑडिट के कैफ नाइन के वाले से बात करो। अगस्त आ गया, हमने क्लासेस खत्म कर ली। अब अगस्त और सितंबर में आपका एग्जाम है, ठीक है, वो एक महीना। एक महीने में आपने क्या करना है जी? ये है वो स्टेज, फाइलें उठा के ऑफिस में आ गए। अब कोई हमारे काम को रिव्यू करेगा, देखेगा हमने काम सही किया, सही नहीं किया, पूरा किया, कम किया। कोई मैनेजर या पार्टनर, मैनेजर हो सकता है वो क्लाइंट पे ही रिव्यू कर लियो, यहाँ पे आके पार्टनर रिव्यू करेगा। अच्छा जी ये चीज चेक कर लिया, अरे नहीं ये इसको और डिटेल में देखें, ये क्लाइंट से ये एविडेंस भी लें, ये मांगे। ये हमारी वो स्टेज है अगस्त में, अरे यार ये चैप्टर वीक है, इसको थोड़ी और ऐसे नहीं, ये चैप्टर ठीक हो गया, इस पर कम टाइम लगेगा, रिविजन करनी है, पेपर फाइनल करना है, रिव्यू करना है, क्योंकि अब सेप्टेम्बर में जाके हमने पेपर राइट करना है। सिक्स स्टेज इज कॉल्ड रिव्यू। जब भी हम कोई काम कर लेते हैं पूरी प्लानिंग के साथ, रिस्क असेस करने के बाद ज्यादा या कम, उसके बाद रिव्यू इज मस्ट। ये रिव्यू रिविजन ये कर लें कि कोई चीज रह तो नहीं गई, 19-20 का फर्क है, अभी भी टाइम है, अभी हम इस काम को करेक्ट कर सकते हैं। तो स्टेज सिक्स इज रिव्यू। मैं भी इसका चैप्टर रिव्यू और स्टेज सेवन का कथा ही करूंगा, और इसके बाद फिर आ जाती है हमारी फाइनल स्टेज, सेवन स्टेज, दिस इज कॉल्ड ऑडिट में रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट आपके बहुत सारे लोगों के इल्म में होगा कि हम ऑडिट करने के बाद एक डेढ़ सफ़े की एक ऑडिट रिपोर्ट बना के क्लाइंट को देते हैं, जिसमें हम उन्हें बताते हैं हमने आपके पूरे अकाउंट और सारी चीज़ें चेक की हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक की हैं, और अब हमारा ओपिनियन ये है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। ये वो फाइनल प्रोडक्ट है, रिपोर्ट राइटिंग हमने जिसके लिए हमने ये सारी एफर्ट की। ये हमारा वो सितंबर वाला दिन है, वो 3.25 घंटे 3 hours 15 minutes जहाँ पे जाके हमने पेपर राइट करना है, और इसके लिए हमने ये सारी एफर्ट्स की हैं। और ये जो स्टेज सिक्स एंड सेवन है, ये हम पढ़ते हैं जी चैप्टर नंबर 14 and 15। तो ये हमारी बुक्स में टोटल 15 चैप्टर्स हैं, और वो इन सेवन स्टेजेस के ऊपर मैंने स्प्रेड करके आपको बता दिया। हमेशा हम रिकॉल कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर जो है वो कौन सी स्टेज को रिलेट करता है। चैप्टर 1, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 11 and 12, और स्टेज 4 के लिए चैप्टर 6 है, स्टेज 5 के लिए चैप्टर 7, 8, 9 and 10, और रिव्यू एंड रिपोर्ट्स के लिए चैप्टर 14 and 15। ये जनाब हमने डिस्कस किया सेवन स्टेजेस ऑफ ऑडिट। दिस गोज अ लॉन्ग वे, ये सेवन स्टेजेस विल कीप ऑन रिमाइंडिंग एंड वी कीप ऑन रिकॉलिंग दी स्टेजेस। अब आइए थोड़ा बात करते हैं कि ये हमारा पेपर का फॉर्मेट क्या है, पास्ट पेपर स्ट्रेंथ क्या है, किस तरह से टेस्टिंग होती है, फिर हमारा सिलेबस क्या है, थोड़ी तो उसकी बात करते हैं। मैंने आपके साथ जो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें आज मैं इसी तरह करूंगा, कल चैप्टर 1 स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह, तो चैप्टर 1 के नोट्स मैं शेयर कर दूंगा, और आपके पास वो सॉफ्ट फॉर्म के अंदर जरूर होना चाहिए। आज मैंने 2-3 शीट जो है वो जिप फॉर्मेट में होगी, उसको आप कोई भी अनजिप करें, उसके अंदर 2-3 फाइल होंगी, 4 भी ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो वो उसका फॉर्मेट और जिप फाइल होगी। तो मैंने कुछ आज की डेट के नाम से भी नोट्स, और आज की डेट 21 मई में, अच्छा जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो भी कोऑर्डिनेटर हैं उनसे कह के उस ग्रुप के अंदर ऐड, क्योंकि तरीका ये होगा मैं नोट्स ग्रुप में अपलोड करता हूँ, वहाँ से फिर जो हमारे टीए या जो कोऑर्डिनेटर हैं वो फिर एलएमएस में अपलोड करते हैं। उसमें बाज़ दफ़ा एक दिन का गैप भी हो सकता है, बट द फास्टेस्ट एंड क्विकेस्ट वे टू गेट अपडेट फ्रॉम मी इज टू जॉइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। लाजमी करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने अपने कोऑर्डिनेटर्स को कहें वो जिनके पास एक्सेस है कि वो आपको उस ग्रुप का पार्ट बनाए।
वो मस्ट है, वो लाजमी है, क्योंकि ये देखें जो मैं अब आपके साथ चीट ये डिस्कस करने लगूँ ये सारी मैं ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। हाँ जी, ग्रुप बना हुआ है, मैं भी वैसे क्लास के बाद चेक करूँगा, कोऑर्डिनेटर से बात करूँगा कि सारे लोग जितने भी हैं वो उस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाए। ग्रुप एक बना हुआ है, कोई है कोई वैसे उसमें? तो मैंने देखा था कुछ लोग ऐड हैं, कोई कंफर्म कर सकता है? जी अरबाब, मैं अभी आपका क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ पे एड्रेस करूँगा रिसोर्सेस। हाँ मैं दोबारा भी, हाँ देखें वो कुछ एक दो कंफर्मेशन भी आ गई, मैं दोबारा भी कर दूँगा, तो कल मैं दोबारा ये वाले नोट्स भी कर दूँगा। अच्छा जी, आए अब थोड़ा पेपर फॉर्मेट और उसकी हम बात करते हैं। ये वो आपका जो स्टडी टेक्स्ट है उसका फर्स्ट पेज है, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास ये 5 ग्रिड हैं जी। अच्छा ये 5 ग्रिड हैं, जनरल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट 15-20 मार्क्स, परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एंड रिपोर्टिंग, स्पेसिफिक एरिया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड आईटी कंट्रोल एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ये कुछ 7 स्टेजेस की एक और तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा सबसे पहले मैं अभी इस ग्रिड पे भी आऊँगा डिटेल में, लेकिन सबसे पहले एक काम जो हमने किया हुआ है आसानी के लिए वो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि जब से ये हमारी कैप लेवल स्कीम स्टार्ट हुई है और ये फर्स्ट पेपर था 2014 सेप्टेम्बर, मैंने आपके जो ये 15 चैप्टर्स हैं ये आप देख सकते हैं और इनके आगे इनके ग्रिड्स हैं, ये वो स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर है, आगे उसके ग्रिड हैं, ये लर्निंग आउटकम्स हैं, ये A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह, फिर BCD ये मैं भी दिखाता हूँ, ये आपके स्टडी टेक्स्ट में हर जगह के ना ये देखें A1, ये लर्निंग आउटकम्स हैं आपके, लर्निंग आउटकम्स, इनको लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, लर्निंग आउटकम है कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखनी है। तो ये विद द पैसेज टाइम मैं आपको और इसमें क्लैरिटी दूंगा, इसमें आप सिर्फ ये समझें कि यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 में जितने लर्निंग आउटकम्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं और हर अटेम्प्ट में उस लर्निंग आउटकम या उस पैराग्राफ से रेलिवेंट जो क्वेश्चन, नॉलेज बेस्ड, ए फॉर नॉलेज, एस फॉर सिनेरियो, और ये क्वेश्चन है और वो पूरा पेपर वापस करके देखें किस चैप्टर के किस पैराग्राफ से कौन सा ग्रेड है लर्निंग आउटकम में एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन पूछा है। तो ये 14 सितंबर से कंटिन्यू हो रहा है ये 2, और ये भी हमारी लेटेस्ट अटेम्प्ट से भी मैंने अपडेट किया है जो भी 21 मार्च की। अच्छा इसमें आप हर अटेम्प्ट के साथ ब्रैकेट में देख सकते हैं पास परसेंटेज, और ये पास परसेंटेज ICAP की है, मतलब जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ ये स्प्रिंग 21 में या मार्च में, इसमें ICAP की परसेंटेज थी 41%, उससे पहले थी 27%, बट गेस व्हाट, यहाँ पे हमारा जो लास्ट टाइम पोस्ट बैच सेशन था, किसी को आइडिया है कि हमारे पोस्ट बैच सेशन की पास परसेंटेज क्या थी? ये तो ICAP की परसेंटेज है 41, कोई आइडिया या कोई तुक्का लगाना चाहें? थर्टी% मोर, एग्जैक्ट 82%, एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस, ये एविडेंस के साथ एग्जैक्ट, यानी 100% हमारा रिजल्ट जो है वो इससे ज़्यादा, यानी डबल था, 100%, 41 है हमारा 82, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, आपकी एफर्ट है, इन्वॉल्वमेंट है, मेहनत। इसी तरह जब ये 27% था तो ये मुझे याद है हमारा था 45%, और इससे पीछे अगर आप चले जाएं कई जगह पर आप कहेंगे अगर 55% है तो मुझे याद है यहाँ पे भी 85% है। तुम्हारा अक्सर रिजल्ट जो है वो थोड़ी मोटी परसेंटेज में बहुत ज़्यादा, तो वो 100% भी इस दफ़ा हमारा रिजल्ट जो है वो ज़्यादा, 25 था तो यहाँ पे मैं कहूँगा हमारा 50+ था, तो वो
आईकेएफ के रिजल्ट हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है कि अगर हम मिल के इस तरह चीज़ों को लेके चले। एक तो ये आपको थोड़ा मोटिवेट करना था कि हमारा जो है वो आईकेएफ के रिजल्ट के साथ नहीं, अपने प्रीवियस रिजल्ट के साथ ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है कि हमने उससे भी बेहतर करना। अच्छा, अब ये देखें एक बड़ा अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है कि आपके सामने पूरे चैप्टर्स वाइज हर पेपर के क्वेश्चन, यानी टॉपिक वाइज आपके सामने जो है वो, अगर कोई भी, अब हम एक चैप्टर करते हैं, फर्स्ट कीजिए चैप्टर नंबर 1 हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे, और मुझे ये देखना है कि ये उसमें एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन टू आईफैक इंटरनेशनल, तो ये कितनी दफ़ा टेस्ट हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, इससे पीछे चला जाऊँगा, ये तो इसकी तो कोई टेस्टिंग ही नहीं हो रही है, और सॉरी इससे भी पीछे चला जाऊँ, इसकी भी नहीं टेस्टिंग, और ये टॉपिक जो है इसकी तकरीबन हर दफ़ा टेस्टिंग हो रही है, ये सेक्शन 246 से हो रही है, इस तरह मेरे सामने पूरा जो मैं टॉपिक हम करते जाएंगे उसके आप लाइन रख के फुटा रख के आप सारे पास होते थे क्वेश्चन, हमने बहुत सारी प्रैक्टिस क्लास में भी कर ली है, बाकी आप होमवर्क के अंदर भी करोगे, सारी क्लास असाइनमेंट्स भी हुआ करेंगे, होम असाइनमेंट्स भी हुआ करेंगे, पास वो भी मैं रिसोर्सेज में आके आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अभी आ रहा हूँ मैं, अगला मेरा टॉपिक ही ये है हमारा, रिसोर्सेज क्या यूज पेपर को टैकल करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हमारे आर्म्स एंड एम्युनेशन क्या है, हमारे हथियार क्या हैं, ठीक है, हमारे पास कौन से मिसाइल्स हैं, गाइडेड मिसाइल्स हैं, अनगाइडेड मिसाइल्स हैं, हमारे पास कौन से आर्म्स हैं, ग्रेनेड्स हैं, बॉम्ब्स हैं, क्या है, तो वो भी आ रहे हैं रिसोर्सेज हैं। तो एक दफ़ा ज़रा पेपर फॉर्मेट को देखते हैं। दूसरी एक चीज़ जो अभी हम देख रहे हैं, हाँ वो मेरा ख्याल आप वो कहना चाह रहे लो जी गौरी आया फिर है, तो गौरी मिसाइल। दूसरी चीज़ अगर आप इस जो मैं भी इस वक्त आपकी टेंशन ड्रॉ कराना चाह रहा हूँ, मैंने हर पेपर को इस तरह से एनालाइज किया कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कितने आए हैं और सिनेरियो बेस्ड कितने आए हैं। तो अगर आप ट्रेंड देखें, इस अटेम्प्ट में 36 मार्क्स नॉलेज बेस्ड था, 64 सिनेरियो था, उससे जो पिछली अटेम्प्ट जहाँ पे रिजल्ट बहुत पुअर था, यानी आई क्या को कंडीशन, उसमें सिर्फ 15 मार्क्स नॉलेज बेस्ड था, 85 सिनेरियो था। और अगर मैं इससे पीछे जाऊँ तो आप देखें ये ट्रेंड, और पहले रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आने की वजह ये थी कि नॉलेज बेस टेस्टिंग ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पास परसेंटेज होती है, सिनेरियो बेस हो जाती है तो कम हो जाती है। हाँ अब्दुल्ला, हम इसको गेस तो नहीं कहेंगे, हम तो ट्रेंड एनालिसिस बनाते हैं, ये ट्रेंड देखते हैं कि किसके आने के, एग्जामिनर के पास भी ऐसी शीट होती, वो भी देखता है ये टॉपिक मैंने बहुत दफ़ा टेस्ट कर लिया, ये बहुत अरसा हो गया टेस्ट नहीं हुआ, इसको टेस्ट करते हैं, तो वो हम बड़ा इसको एक साइंटिफिकली ट्रेंड एनालिसिस बनाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक्चुअल जो एग्जाम होता है वो काफ़ी क्लोज होता है, क्योंकि वो ट्रेंड है ना, मतलब वो भी लॉजिक के ऊपर बेस कर रहा है, एक चीज़ बहुत टेस्टिंग हो, ग्रिड में हम लिमिटेशन, इस ग्रिड में हैं चार टॉपिक तो इनमें से ही पूछना है, तो एग्जामिनर की लिमिटेशन को समझ के ट्रेंड एनालिसिस बनाते हैं, तो वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा काम, तो ये नॉलेज बेस और सिनेरियो बेस। अब मैंने काम ये किया कि हर शीट के नीचे जो ये सिलेबस और ग्रिड्स हैं, इसके लिए मैंने एक अलहदा शीट लिया, ज़रा इसको देखा। अब मैंने एक और बड़ा ज़बरदस्त हमने काम किया ये देखा, और इस काम का हमें पढ़ते हुए भी हेल्प होगी शुरू में, लेकिन ये ग्रिड आपको सबसे ज़्यादा ये वाली शीट हेल्प करेगी जब आप अगस्त में हमारी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी और आप रिविजन करोगे, फिर मैं आपको इस शीट पर दोबारा लेके आऊँगा और दोबारा बताऊँगा इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। आइए अभी ज़रा हाईलाइट करते हैं। अच्छा, हमारी क्लास का टाइम 5:45 से 7:15 PM तक है, और अभी मगरिब का टाइम हो गया, हम अभी मेरे एंड पे जो ही मगरिब की अजान होगी तो मैं एक या दो मिनट के लिए थोड़ा सा हम बस पॉज करेंगे फॉर रिस्पेक्ट और मगरिब अजान, नमाज हम 7:15 क्लास ख़त्म करके ही पढ़ेंगे, ठीक है, तो प्रेयर की ब्रेक नहीं होगी, जस्ट अजान की ब्रेक होगी, क्योंकि आप बहुत सारी जगहों पे हैं, किसी की पहले स्टार्ट हो रही थी, किसी की बाद में, तो वो हम एक फैसला कर लेते हैं कि मेरे एंड पे साथ ही मस्जिद है मेरे ऑफिस पे, जो ही अजान आएगी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दो मिनट के लिए ब्रेक ले रहे हैं अजान ब्रेक, और फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे और 7:15 ख़त्म करके फिर सारे नमाज पढ़ेंगे। अच्छा जी, ये हमारे 5 ग्रेड्स हैं जो मैंने आपको आईकेएफ की बुक में से भी दिखाया था। ग्रेड ए है जनरल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट, इसकी वेटेज है 15-20। अब मैंने ये काम किया कि इसमें लिंक किया कि ओके अजान हो रही है, हम दो मिनट के लिए ब्रेक करेंगे,
अच्छा जी, वेलकम बैक। तो मैं आपको इंशाल्लाह जब हमारी लास्ट फ्यू क्लासेस चल रही होंगी ना, तो मैं उस दिन आपको क्या बता रहा हूँ वो मैं आज बताता हूँ, लेकिन हमने अभी उसको अप्लाई नहीं करना पड़ते हुए, क्योंकि टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है तो हमने एक सीक्वेंस से पढ़ना है। बट जब रिविजन करनी होगी, पूरा कोर्स पढ़ लिया होगा, तो मैं आपको स्मार्ट रिविजन का तरीका बता रहा हूँ, उसी तरह बताता हूँ कैसे मैंने रिपीट करना है। फिर इंशाल्लाह अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर समझ लें कि आज उसकी हम रिहर्सल कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने सर पढ़ तो लिया, आप मुझे पूछेंगे सर अब आप बताएं हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, कैसे रिवीजन करें, कैसे प्रैक्टिस करें। पढ़ तो हमने लिया, समझ भी आ गई, बड़ा लुत्फ भी आया हमें, लेकिन अब हमें बताएं रिवीजन कैसे करना है। तो मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले आपको ग्रिड डी कवर करना चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड आईटी कंट्रोल, क्योंकि इसकी वेटेज है 10-15 मार्क्स और इसमें इंतहाई लिमिटेड सा सिलेबस है। वो कितना लिमिटेड है कि चैप्टर नंबर 5 में भी सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पैराग्राफ, चैप्टर 5 में पैराग्राफ 2.6 से लेके 2.9 यानी 5.2 5 चैप्टर है उसका, पैरा 2 और उसका सब पैरा 6, 7, 8, 9। उसके बाद चैप्टर 5 में पैरा 2 का सिर्फ एक पैराग्राफ 2.16 और चैप्टर 5 का पैरा 5, सिर्फ ये 5-6 पैराग्राफ है कंप्लीट चैप्टर 5, उसमें से 10-15 नंबर का क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आना ही आना है। अभी आप पास पेपर एनालिसिस में भी देख लें, ये चैप्टर 5 में ये है वो ग्रेड हमारा, मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं। वो ये ग्रेड है। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा, ये सिलेबस में देखिए, ये हमारी जो ग्रेड डी है, यानी वो ग्रेड जो डी से स्टार्ट हो रहे हैं, डी, अब आप देखिएगा ये आपको जरा लिंक बन जाएगा। चैप्टर ये देखें, ये ग्रेड डी, ये डी, इसमें से 10-15 मार्क का क्वेश्चन आना ही आना है लाजमी। इसमें देखिए क्या आया जी, 6 and 4, ये 10 आया, उससे पीछे देखें 10 में ये 6 and 4, ये क्वेश्चन आ गया हर अटेम्प्ट में, यानी सिर्फ इतने से पैराग्राफ हैं और इसमें 10-15 मार्क्स का एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछना ही होगा। मैं आपको कहूँगा सबसे पहले ये करें, ये 2 घंटे में रिवाइज हो जाएगा, आपके 10-15 नंबर कवर हो गए। इसके बाद मैं आपको कहूँगा चले जाइए ग्रेड ई में, सबसे पहले ये रिवाइज कीजिए, उसके बाद चले जाइए ग्रेड ई में प्रोफेशनल एथिक्स, 10-15 मार्क्स शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन, एक पूरा चैप्टर है 13 और चैप्टर 2 का सिर्फ एक पैराग्राफ है पैराग्राफ 1, चैप्टर 2 में 2 पैराग्राफ हैं, एक पैराग्राफ में, तो एक चैप्टर और एक चैप्टर का एक पैराग्राफ, 10-15 मार्क्स सिक्योर करें। प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर करें, एक पैराग्राफ पढ़ें, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, ऑल डन। अभी भी आप देखें इसमें चैप्टर 13 में लेटेस्ट अटेम्प्ट में देखें क्वेश्चन आया, लाजमी आता है ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, कोई और आए ना आए एथिक्स का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा। ये वो प्रोफेशनल एथिक्स वाला चैप्टर है, आप देखिए अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 9 आया 12 मार्क्स, पीछे क्वेश्चन नंबर 8 आया 12 मार्क्स, 9A 3 मार्क्स, हर सिनेरियो आपको पीछे भी नजर आएगा इसके अंदर। तो मैंने आपको कहा इसके बाद अब आप एथिक्स कीजिएगा, इसके बाद मैं आपको कहूंगा आप चले जाइए ग्रेड ए में, कहते हैं नंबर 3 पे जनरल कॉन्सेप्ट, 15-20 मार्क्स की वेटेज, देखें कितने टॉपिक हैं, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट, चैप्टर 2 का सिर्फ पैरा 2, क्योंकि पैरा 1 ग्रेड ई के अंदर था, पैरा 2 यहाँ है, और चैप्टर 3 का सिर्फ एक पैराग्राफ 3.4, ये वो फ्रॉड वाला, चैप्टर नंबर 1 और 2 पैराग्राफ, चैप्टर 2 का एक पैराग्राफ, चैप्टर 3 का, आपका ग्रेड ए पूरा 15-20 मार्क्स सोर्स है, ये कवर करें। इसके बाद मैं आपको कहूंगा ग्रेड सी में आ जाइए नंबर 4 पे, इसकी वेटेज है 20-25 मार्क्स, लेकिन इसमें देखें क्या टॉपिक्स हैं, चैप्टर 9 में ये पैराग्राफ है 4.2 से 4.7, ये बेसिकली हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन, चैप्टर 11 कंप्लीट, चैप्टर 12 कंप्लीट, चैप्टर 14 में जस्ट ये 2 पैराग्राफ, पैराग्राफ 1 and 2, और चैप्टर 15 कंप्लीट, आपका ग्रेड सी कंप्लीट होगी। इसके बाद रिमेंडर ऑफ सिलेबस जो है वो सारा ग्रेड बी में है, परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, कि आपने ऑडिट कैसे करना है, इसी के अंदर प्लानिंग है, इसी के अंदर रिस्क असेसमेंट है, इसी के अंदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है, इसी के अंदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, इसी के अंदर ऑडिट रिपोर्ट्स है। अब देखें कितने टॉपिक है, चैप्टर 3 एक्सक्लूडिंग 3.4 क्योंकि वो यहाँ पे ऐड हो गया,
चैप्टर फोर यहाँ पे है, चैप्टर फाइव में वो ये जो आईटी कंट्रोल वाले पैराग्राफ छोड़, चैप्टर सिक्स पूरा, चैप्टर सेवन, चैप्टर एट, चैप्टर नाइन में कंफर्मेशन छोड़, चैप्टर टेन पूरा, चैप्टर फोर्टीन में पहले दो पैराग्राफ, तो इतना ज़्यादा सही हो, तो ये आपने एंड पे करना। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि आपका 75% मार्क्स सिक्योर होते हैं 25% एफर्ट से, और उसके बाद जो बाकी 25 मार्क्स हैं वो आपके कवर होते हैं 75% एफर्ट, तो स्मार्ट रिवीजन, स्मार्ट एंड के ऊपर जो आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी वो इस तरह चल रही होगी कि पहले वो चीज़ें कर ली जाएं जिससे आपके 75 मार्क्स सिक्योर हो, और उसके बाद बाकी टाइम फिर उन 25 मार्क्स के लिए स्पेंड किया जाए उतना ही टाइम, जिस यानी कि आप ये समझ लें कि जितना आप 75 मार्क्स के लिए एफर्ट कर रहे हैं उतनी ही एफर्ट फिर आप 25 मार्क्स के लिए करें। तो रिवीजन करते हुए आपने चैप्टर वाइज नहीं करनी रिवीजन, ग्रिड वाइज करनी है। आपको पता चले ये ग्रिड कवर के इतने मार्क्स मेरे सिक्योर हैं और मैंने सारे चैप्टर उनके पैराग्राफ तक वहाँ पर लिंक कर दिए, लेकिन अभी पढ़ना हमने ऐसे नहीं पढ़ना, हमने जो चैप्टर वाइज, चैप्टर वन रूल्स रेगुलेशन फिर एथिक्स पर चले जाएंगे, तो वो मोर और लेस हम एक सीक्वेंस फॉलो करें क्योंकि सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। ये रिवीजन के वक्त ये काम आएगी आपकी शीट के, पहले ग्रेड मैंने कहा आप बी करेंगे, फिर ग्रेड ई करें, फिर ग्रेड ए प्रिपेयर करें, उसके बाद ग्रेड सी, उसके बाद रिमेनिंग टाइम ग्रेड बी में लगाएं क्योंकि उसकी वेटेज है 25 to 35, सबसे ज़्यादा वेटेज इसकी, लेकिन उसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा। ओके, क्लियर हुई ये बात, मेक सेंस, चैप्टर्स और ग्रेड्स आपस में अलाइन हो गए। पास्ट पेपर का एनालिसिस, सारे चैप्टर और सारे सब कुछ कवर है अब्दुल्ला, सब कुछ कवर, गुड। अब आज का आखिरी एजेंडा जो कि आप लोग मुझसे बार बार पूछ भी रहे थे, तो मैंने पेपर फॉर्मेट, पास्ट पेपर एनालिसिस, मैंने सिलेबस, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर करने वाला। आखिरी बात आज की, हाँ असद ये बड़े लॉजिक पे बने हुए हैं और ये लॉजिक इंशाल्लाह हम साथ साथ क्लियर करते रहेंगे, ये लॉजिक मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बताऊंगा किस लॉजिक पे बने। अच्छा जी, अब आते हैं जरा आखिरी आज का एजेंडा, ये सक्सेस के ऊपर कल बात करेंगे, जरा रिसोर्सेज की बात करते हैं। आप बार बार पूछ भी रहे हैं कि हमें ये पेपर प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ओके, आखिरी फ्यू मिनट्स इसके ऊपर, 2-3 मिनट्स रिसोर्स। नंबर वन रिसोर्स है जी आईकैप का स्टडी टेक्स्ट, edition, और इसके साथ एक एग्जामिनेबल सप्लीमेंट आया था 2020। ये नंबर वन सोर्स है। अच्छा, बहुत सारे लोग स्टूडेंट मेजर क्वेश्चन ये कहते हैं कि हम स्टडी टेक्स्ट क्यों पढ़ें, स्टडी टेक्स्ट में मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ें रेलेवेंट हैं, क्या हम उसकी जगह कोई छोटी कंडेंस कोई नोट्स हो, कोई किसी ने और मार्केट में कोई बुक हो जो उससे छोटी हो तो वो पढ़ लें, वहाँ से प्रिपेयर कर लें। ऑडिट टू ऑडिट है, सही बात है, ऑडिट टू ऑडिट है, बट मैं एक बार बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर कर दूँ। देखें, हम में से क्लास में शायद ही इस वक्त, मेरा नहीं ख्याल कोई हो, कभी भी नहीं होता, इक्का दुक्का हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे बैठा हो जो इस वक्त सीए फॉर्म के अंदर उसकी ट्रेनिंग भी चल रही हो और वो कैफ नाइन का सब्जेक्ट हो। हम सारे लोग इस वक्त 100% समझ लें, हम इस वक्त ऑडिट पढ़ रहे हैं बट अभी हमने ऑडिट किया नहीं है, ऐसा ही है ना, हम फॉर्म में तो नहीं गए, अभी हम ऑडिट पढ़ रहे हैं और ऑडिट एक प्रैक्टिकल पेपर है, हमने अभी ऑडिट किया नहीं है बट हम ऑडिट पढ़ रहे हैं और ऑडिट का पेपर देना है, ऐसा ही है ना। बिल्कुल सर, गुड। अब मसला ये है कि अगर हम आईकैप ने हमारी सहूलत के लिए, हमें फैसिलिटेट करने के लिए एक स्टडी टेक्स्ट बना दिया, उसको पता है हमने ऑडिट नहीं किया, हमें ऑडिट नहीं आया, तो आईकैप ने हमें फैसिलिटेट, देखो ऑडिट ऐसे कर, जो मैंने लिखा है ये है, ये हमने ऑडिट करना है, ऐसे ऑडिट करना है, तो हमें उसी तरह मान के चलना है। अब अगर हम कोई और कंडेंस नोट्स या कोई बुक उसकी रिप्लेसमेंट और स्टडी टेक्स्ट को रेफर ही ना करें अपनी तरफ से और वो नोट्स लिखें, तो आईकैप का एग्जामिनर कहते हैं यार ये कौन सी, ये ना ऑडिट एक्चुअली कर रहे हैं,
ना इन्होंने हमारी बुक पढ़ी है, पता नहीं कौन से नोट्स क्या, वो किसी ऑडिट को नहीं मांगे। तो खास तौर पे जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, जो एवरेज 25 to 30 मार्क्स तक आई जाते हैं आपके पेपर में, वो तो स्टडी टेक्स्ट के स्पेसिफिक पैराग्राफ्स ही एग्जामिनर ने पूछने हैं। तो जब तक हमने उस तरह पढ़े नहीं होंगे और उसी तरह याद नहीं किया होगा, हम वो सब्सटेंशियल मार्क्स लूज कर देंगे और पास करने में स्ट्रगल करेंगे। तो लेसन नंबर वन, हमने आईकैप के स्टडी टेक्स्ट को फॉलो करना है। मेरे नोट्स में बेसिकली स्टडी टेक्स्ट होगा। अब रही ये प्रॉब्लम कि वो डिफिकल्ट है, यही तो मेरा रोल है, उस चीज़ को आसान बनाना, उसको समझाना, उसके लिए एब्रीविएशन यूज़ करना, निमोनिक्स यूज़ करना, आपको आसान लगेगा इंशाल्लाह। और जो चीज़ उसमें रेलेवेंट है मैं आपको क्रॉस करवा दूंगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मजीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, उसके लिए मैं आपको साथ वाइटमिन या समझ लें सप्लीमेंट्स दूंगा। बट सोर्स ये है, सोर्स नहीं छोड़ना, ये सोर्स स्टडी। अगर पास होना है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ये सोर्स स्टडी टेक्स्ट आपके पास होना चाहिए, वरना हम हमेशा स्ट्रगल करेंगे। अगर आपने इसको रिप्लेस कर दिया किसी नोट से, कंडेंस्ड बुक से, तो फिर हम स्ट्रगल करेंगे, फिर हमारी कोई किसी किस्म की भी जो है उसमें गारंटी नहीं है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं स्टडी टेक्स अच्छे तरीके से किया हो तो हम कर जाएंगे। इसके साथ दूसरी चीज जो हमें चाहिए होगी, ऑब्वियसली मैं आपको कुछ चीज़ों को समझाने के लिए क्लास नोट्स हैं, डायग्राम्स हैं, उसमें फ्लो चार्ट्स हैं, वो क्लास नोट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फिर उसके साथ हम इंशाल्लाह हर टॉपिक की क्लास असाइनमेंट्स करेंगे, क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे, और स्पेशली वो ऑब्वियसली स्पेशली वो जो कि सिनेरियो बेस्ड। क्लास असाइनमेंट के साथ मैं आपको होम असाइनमेंट्स भी दूंगा। अच्छा, इसके बाद आखिरी चीज जो रह जाती है नंबर फाइव, वो पास पेपर्स कह लें, ये तो नहीं समझ से कहते हैं, फर्दर प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस बाय एंड लार्ज पास पेपर्स से होनी चाहिए, आपको कोई और क्वेश्चन की जरूरत नहीं, या ज्यादा से ज्यादा जो आई कैप का एक क्वेश्चन बैंक भी है, ये क्यूबी मैं लिख रहा हूँ, ये वो कोरतुल लैंड ग्रुप नहीं है फिंगर, ये क्यूबी स्टैंड फॉर क्वेश्चन बैंक। और आई कैप के क्वेश्चन बैंक में भी 80% क्वेश्चन पास पेपर्स में है, 20% कुछ और भी है। तो उसमें से भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन बैंक के, बट मेरा जो मेजॉरिटी प्रैक्टिस मटेरियल होगा वो पास, क्योंकि पास पेपर से अच्छा क्वेश्चन और कोई नहीं। इसके अलावा आपको किसी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, ये इनफ है। क्लास असाइनमेंट, होम असाइनमेंट्स एंड पास पेपर, और ज़्यादा से ज़्यादा आई कैप का क्वेश्चन बैंक। कॉन्सेप्ट हमने जो लर्न करने, अंडरस्टैंडिंग लेनी है, वो आई कैप का स्टडी टेक्स्ट है और क्लास नोट्स, ये हमारे पास रिसोर्सेज होंगे। और हर चैप्टर, हर चीज़ जो मैंने पढ़ानी होगी अगले दिन, वो मैं दोबारा बता रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड करूँगा। आप सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस ग्रुप को आपने ज्वाइन करना है, अपने अपने जो भी एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपका जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन था, जो भी कोऑर्डिनेटर है, उनको कहें कि मुझे रेलेवेंट जो ऑडिट के पोस्ट के ग्रुप के अंदर इमिजिएटली आ जाए। जी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि अगस्त के फर्स्ट वीक में भी जल्दी से जल्दी होगा, बट एक कट ऑफ डेट होती है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, इंशाल्लाह उससे आगे नहीं जाएगा। विद माई ऑल माई सेटिस्फेक्शन विद ऑल दी प्रैक्टिस एंड रिविजन इंशाल्लाह। तो आज के लिए जनाब इतना ही जो है वो काफ़ी है। कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ मैं प्लान कर रहा हूँ कि कल का एजेंडा होगा, ये मैंने एक सक्सेस की इक्वेशन बनाई है आपके साथ, चलो शेयर करूँगा कि किसी भी एग्जाम में पास होने के लिए वो कौन कौन से नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हुए अपने, क्योंकि मैंने आपको अपने इंटरव्यू बताया था कि मेरे पास कुछ नेशनल इंटरनेशनल जो है वो क्वालिफिकेशन है, तो मैंने उसका एक अपने एक फॉर्मूला सा बनाया कि हमें एक सक्सेस किसी भी एग्जाम में कैसे मिलती है, तो वो मैं उसमें नहीं अब्दुल्ला मैं यहाँ पे जो डायग्राम बना रहा हूँ, जो चीज़ भी यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे पास तो ये चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, मेरे पास तो ये चीज़ें सारी लिखी हुई हैं, मेरे पास अवेलेबल हैं, आपके पास भी होनी चाहिए। आपको भी नोट करनी है, सुनने की चीज़ें नहीं, ये नोट करनी है आपने, चाहे बेहतर तो आप नोट करें, एहतियातन स्नैपशॉट भी साथ साथ लेते रहें, आई डोंट माइंड, बट आपके पास होनी चाहिए कि जो कुछ मैं बना रहा हूँ ये मैं अपनी कंजम्पशन के लिए बना रहा, आपके लिए बना रहा हूँ, आपने इनको नोट करना, ये आपको फ़ायदा देंगे, अभी नहीं इस पेपर के लिए भी नहीं बल्कि रेस्ट ऑफ योर ऑडिट प्रोफेशन करियर में भी ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, ये जो नोट्स तो आपने नोट करना है इनको, ये मेरे पास मौजूद है आपके लिए मैं बना रहा हूँ।
तो कल कुछ सक्सेस के बारे में बात करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 1 भी स्टार्ट करेंगे, जिसके नोट्स मैं सुबह ग्रुप के अंदर अपलोड करूंगा। ये वाले मैं दोबारा आज वाले दोबारा भी इंशाल्लाह कर दूंगा। टाइम करने में राइटिंग स्पीड कोई इशू नहीं है, हम देखेंगे मार्किंग स्कीम के मुताबिक हमने कैसे लिखना है, एक एवरेज स्टूडेंट आराम से पेपर कंप्लीट कर सकता है। तो राइटिंग स्पीड की बात भी करेंगे ये सक्सेस की इक्वेशन में। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड जी, दिस इज मी आसिम नाउ साइनिंग ऑफ, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। कल दोबारा मिलते हैं सेम टाइम 5:45 to 7:15 PM। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।